अस्सलामुअलैकुम। कल है शाजमा का बर्थडे, मतलब कल मनी परसों यानी रात को 11 बजे। तो मैं उसको सरप्राइज देने के लिए जा रही हूँ दिल्ली। मैंने उसके लिए छोटी छोटी पार्टी भी ऑर्गेनाइज करी है। वो अम्मी को बेइंतहा हर सेकंड मिस करती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो ससुराल वाले हैं मगर वो अकेली है, तो उसको बहुत महसूस होती है उनकी कमी। तो मैंने सोचा है कि मैं उसको थोड़ा अच्छा फील कराऊंगी, क्योंकि उसका जब भी अब फोन आता है आजकल रो के ही आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा मैंने क्या क्या सरप्राइज तैयार किया उसके लिए, और मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं। मैंने ट्रैवलिंग के पर्पज से पहना है एक ये कंफर्टेबल सा कॉर्ड सूट। इसका फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका फुल लुक, ताकि मैं कंफर्टेबल भी रहूँ और मैं अच्छी भी लगूँ। बहुत ही भारी दिल से कुकी की दादी और उनके चाचू उनको विदा कर रहे हैं, किसी का मूड नहीं है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैं वहाँ से वापस आती हूँ तो शाजमा रो रही होती है, और यहाँ से जाती हूँ तो दादी रो रही होती हैं। मेरे दिल का क्या होगा मुझे ये समझ नहीं आता। और ये हम पहुँच गए शाजमा के पास। शाजमा अपनी भांजी को बेइंतहा मोहब्बत करती हुई, एक और सरप्राइज़ है। पापा ने कहा था वो नहीं आ रहे हैं, मगर पापा भी आएंगे। उससे पहले हमें रियो हर्ब्स ने भेजे थे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, तो बड़े दिल वाली शाजमा सबसे पहले अपने जीजू की स्किन केयर ध्यान रखते हुए उनके लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाल के रखे हैं। अब ये बंटवारा हो रहा है, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तुम्हारा। इन दोनों को तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं चली ही जाऊँ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत हैं। और ये पापा ने कहा था कि वो नहीं आएंगे, मगर हर बर्थडे की तरह पापा आए हैं इस बार फिर से। मैंने अपनी बहन के लिए ये बुक किया है एक होटल रूम, हम वहाँ तैयार होंगे शाम में। वहाँ से अपनी थोड़ी सी दोस्तों के साथ डिनर पे जाएंगे, सिंपल सीन रख रहे हैं क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं। तो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे हैं, तो इतना सामान जा रहा है, एक पूरा डायपर का पैकेट एक रात के लिए। गुलाब चाहते ही लग गए तो खान। हम आप बच्चे बैठे हैं नन्हे नन्हे सारे, हमारी मुन्नी आस से भी बैठी हुई है। फिर आई वांट टू सी द वॉशरूम वी नो कम कम ओए पूल है तो यहाँ कौन ना आएगा। दिखा अपनी ड्रेस तो थोड़ी उछालती भी जाओ। इस दुनिया में मेरा है ही कौन। शाजमा की आज की ड्रेस जो मैंने उसे गिफ्ट करी है, और ये पहनेगी वो आज। और ये है शाजमा की ज्वेलरी आज की, और ये है खूबसूरत सा शाजमा का केक। बहुत ही मेरा पैसा खर्च हो गया है। हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। पापा लाइटर दे प्लीज, पंखा बंद कर दे थोड़े देर। शाजमा के बहनोई जो है वो कजाए उम्र पड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका इंतजार हो रहा है, और उनके बिना तो शाजमा केक काट ही नहीं सकती, और उन्हें नमाज पढ़ रहे हैं, और सब उनके इंतजार में खड़े। मैं जिद कर रही हूँ कि लाइट बंद करके फोटोग्राफी होगी, और सब जिद कर रहे हैं कि नहीं लाइट जला के होगी। तो अब यही डिसाइड हो रहा है जब तक जीजा जी नहीं आते। अच्छा थोड़ा दिखा दो अपनी ड्रेस एटीट्यूड की। माय गॉड गुलाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? हमारे पार्टी में आज हमने भेजा था तुम्हारा गुलाब, तुम बिरयानी खाने गई थी, खा लो। माय कहाँ है तुम्हारा, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। जानवर।
मेहमान आ गए, मेजबान बनाया था। हाँ चल पैर छूट गई, क्या बात है। तीन थर्ड फ्लोर पर उतर गए, थर्ड फ्लोर नहीं लिफ्ट बंद हो गई। उसके बाद बातें करते करते लॉबी में बोली हम लोअर ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर हम लॉबी में बैठ गए, एनर्जी नहीं देवा, लिफ्ट ऊपर चली गई। फिर उसके बाद मजा आएंगे जो बीबी को खाना, जो हमें जो बीबी ऑर्डर करेगी हम सबको खाना पड़ेगा। दारू की पपड़ियाँ खुरा चलेंगी, गिर रही हैं जैसे अभी बीबी की मुँह की गिर रही। दीदी याद नहीं करना है मैंने। सब खाने के इंतजार में सूख गए और बीबी अभी मेन्यू याद कर रही है। वैसे शाजमा का बर्थडे होता है 12 तारीख को और मैंने सबको 11 को इनवाइट कर लिया और आधों को 12 को इनवाइट कर लिया। और मैं आधे लोगों से पूछ रही हूँ आप लोग कहाँ हैं, तो वो कह रहे हैं अरे यार कल आना था ना, तो आधे लोग बेचारे कल के इंतज़ार में बैठे हुए और यहाँ सेलिब्रेशन शुरू भी हो गया। थैंक्स टू मी, मेरी बच्ची की वजह से मेरा दिमाग इतनी जगह पर रहता है कि मैं भूल गई। सुनो हमारा ब्लू टिक नहीं है, इससे बात मत करो। ये हमसे बात नहीं करेंगे, हमारा ब्लू टिक नहीं है। ये मेरे लिफाफा ले गई, हम कितनी बड़ी हो मुझसे, मैं नहीं ले रही इसको। यार ये मैं ले लूंगी, मैं ले लूंगी यार, ये मैं ले लूंगी। बीबी इसकी कैटलॉग मेरे पास ही, चेक कर लो कितने का। इनके तो 50% भी लोगे ना। I just love this gift. हाँ बहन, हेलो। हाँ बहन, हम आ रहे हैं। ठीक है ओके ओके ओके। बेसिकली आज चल इस टाइम पे से यू स्मेल, यू मस्ट बेथ एवरी डे, पुट मॉइस्चराइजर एवरी डे एंड यूज अ लोफा। मैंने यार इतने महंगे महंगे बैग खरीदे हैं, उस बैग में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ खास नहीं आया। मैं खुद से कभी बॉडी शॉप में प्रोडक्ट नहीं करती, बिकॉज़ आई फाइंड देम वेरी एक्सपेंसिव। गिफ्ट्स वगैरह खुल गए, जो लोग नहीं आ पाए उनसे मैंने गालियाँ खा ली। अब हम पूल साइड पे बैठ के आराम से अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं और ये वापस आ गए बीवी इसमें जैसे भी अपने गिफ्ट्स में से भी अपने बहनोई से कह रही है तुम कुछ ले लो। जा रहे हैं अब हम अपने घर वापस। जी आउट कर रहे हैं हम, घर वापस जा रहे हैं। कैसा लगा आपको अपना स्टे? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द सरप्राइज। जितना सामान लेके आए थे उससे ज्यादा वापस लेके जा रहे हैं। बच्चों के साथ आते जाते फिर लगता है कि क्यों आए।